वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मेरे रोज़ के वीडियो नहीं मिलेंगे। कमोडिटी के अपडेट से पहले मैं आपको कल का निफ्टी का अपडेट दे देता हूँ। कल हमने जो सेलिंग किया था 240-242 के आसपास, वो हमने कॉस्ट पे ही एग्जिट कर लिया। चलिए, ये था निफ्टी का अपडेट। अगर आपको मेरे निफ्टी के फ्री कॉल्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यही व्हाट्सएप नंबर आप यूज कर सकते हो अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो Mcx या Comex की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल गोल्ड $1,295 से तकरीबन $1,284 तक चला गया। मेन वजह ये थी कि डाउ जोन्स रिकवर हो गया, बहुत अच्छे डेटा आई यूएस से, जिसकी वजह से गोल्ड में वीकनेस आई, डाउ जोन्स में राइज आया और डॉलर इंडेक्स रिकवर हुआ। डॉलर इंडेक्स की रिकवरी की वजह से मेन सेलिंग आई, जो इनफैक्ट आपको चार्ट पे ज्यादा बड़ी सेलिंग लग रही होगी, बट यूजुअली $6-7 की सेलिंग आना या $6-7 का राइज आना अब से 3-4 महीने पहले तक नॉर्मल माना जाता, लेकिन ये 3-4 महीने से जो मार्केट रेंज बाउंड हुआ है उसकी वजह से $7-8 का जो ये राइज और ये क्रैश है वो बड़ा लगने लगा है। चलिए आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं मार्केट का। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1,282.20, रेजिस्टेंस है $1,293.10। ध्यान रखिएगा 1282.20 के नीचे मार्केट निकला तो $1,278 और $1,270 भी जा सकता है। 1293.10 से नीचे ऊपर सस्टेन किया तो 1299 और 1308 जा सकता है। अभी मार्केट थोड़ा सा वीक ही है तो ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बाइंग ना करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेलिंग की एडवाइस भी नहीं करूँगा बिकॉज काफी ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है अपने हाई से। आप देखो तो 1303 का हाई बनाया था उसने ट्यूजडे की सुबह को और 1284 का लो बनाया है कल रात। $19 का करेक्शन हाई से आ चुका है तो ध्यान रखिएगा सेलिंग भी यहाँ पे ना करें, थोड़ा अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग में ही रहें। चलिए चांदी को देखते हैं। चांदी इसको सबसे ज्यादा धक्का लगा गोल्ड के कल नीचे आने से, ये काफी नीचे आ चुकी है। इनफैक्ट ये क्रैश चार्ट पे बड़ा लग रहा है और ये नॉर्मली गोल्ड से बड़ा क्रैश है बिकॉज यहाँ 1280 से लेके 1455 के आसपास आ गई है। चलिए इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ, आपको याद है तो कल भी मैंने यही सिल्वर का सपोर्ट दिया था जो आज का लो बना है 50 से लेके 45। बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन किया और अगर क्लोज हो गया तो बहुत ही जबरदस्त वीकनेस आ सकती है, जबरदस्त सेलिंग आ सकती है। तो अगर आप बाइंग में हैं तो 1450-55 के 50 और 45 के नीचे होल्ड ना करें। आज का रेजिस्टेंस है इसका 75 का 1475। 1475 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो 1499 और 1520 तक जा सकता है। चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, तकरीबन 63.50 तक जाने के बाद अभी 65-80 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई इसके अंदर 70-80 सेंट की अपने हाई से। चलिए आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस हो गया 63.60 का, सपोर्ट हो गया 62.20 का। अभी फिलहाल इसको सेलिंग में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसको राइज में सेल करें अगर आप चाहते हैं तो। रेजिस्टेंस एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकला तो ही और वापस से पॉजिटिव होगा, अदरवाइज थोड़ा वीक लग रहा है, एक बार सपोर्ट टेस्ट कर सकता है ये। चलिए Mcx के लेवल देख लेते हैं। Mcx के लेवल आज के कॉपर कल हमारा पाई था जिसका टारगेट हो गया था, वापस नीचे आ गया है। कॉपर का सपोर्ट है आज का 423.80 का, रेजिस्टेंस है 429.20 का।
क्रूड ऑयल चल रहा है 4414, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस था 4462 का, सपोर्ट है 4368 का, निकल का सपोर्ट है 842, रेजिस्टेंस है 866, सिल्वर का सपोर्ट है आज का 36610, रेजिस्टेंस थोड़ा इसका ऊपर है 33410, गोल्ड चल रहा है 32,011 रुपये, गोल्ड का आज का सपोर्ट है 31,880, रेजिस्टेंस है 32,160। चलिए, अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी ट्रेड में फंसे हुए हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए, कल वापस अपडेट करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।